दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमर सिंह और मेरे सभी दोस्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों देखिए, मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इस मोटापे को कैसे कम किया, इस फैट को कैसे कम किया, इस पेट के अधिक चर्बी को कैसे कम किया। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में क्या बदलाव किया जिससे मैंने इस फैट को कम किया। दोस्तों देखिए, ये देखिए, पहले तो आपको विश्वास करना है कि पेट की अधिक चर्बी और मोटापा 100% कम होता है। दोस्तों देखिए, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले पहले उठने की आदत डाली। दोस्तों देखिए, कुछ समय मुझे लगा, मैं 4 बजे के बाद 4:30 के आसपास में उठ जाता हूँ। दोस्तों देखिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, 2-3 गिलास पानी पी के अपना थोड़ा सा मूवमेंट करता हूँ अपने शरीर में, और उसके बाद फ्रेश नहाना धोना, उसके बाद 20-25 मिनट या आधा घंटा मैं योग एक्सरसाइज को अपनाया। दोस्तों देखिए, और 9 बजे से पहले पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट प्रतिदिन करता हूँ। दोस्तों ब्रेकफास्ट में कौन सा ब्रेकफास्ट, जो पेड़ पौधों से जो भी हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे हरी सब्जियाँ होगी, सलाद हो गया, दलिया हो गया, मोटा अनाज हो गया, इसका सेवन मैं सुबह 9 बजे से पहले पहले अपने ब्रेकफास्ट में करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ। दोस्तों और 2 बजे से पहले पहले मैं अपना लंच लेता हूँ। दोस्तों लंच में आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपका जैसे आपकी इच्छा हो। दोस्तों देखिए, कुल मिलाकर यह है कि जैसे आपकी इच्छा हो लंच में आप खा सकते हैं। दोस्तों रात का भोजन मैं सोने से कम 3-4 घंटा पहले लेता हूँ, और हल्का भोजन रात को, यानी कि जो हैवी फूड नहीं, जैसे एनिमल फूड हो गया, जैसे दूध हो गया, दूध से बने हुए प्रोडक्ट हो गए, या फैक्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, या जंक फूड हो गए, इनका सेवन मैं रात को नहीं करता दोस्तों। और हाँ, कभी कभार यानी कि महीने में 1-2 बार, या कभी कोई पार्टी में, या किसी दोस्त के, मतलब कोई भी इन्वाइट या खुशी काम में अगर आप ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कभी कभार तो। लेकिन कंटिन्यू मैंने इनका खानपान बंद कर दिया दोस्तों। कौन सा खानपान, एनिमल फूड, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, ठंडे पदार्थ, जंक फूड, इनका सेवन मैं केवल कभी कभार करता हूँ, और योग एक्सरसाइज को मैं सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले करता हूँ। दोस्तों देखिए, ये फायदा हुआ दोस्तों। देखिए, कहते कि योग से फायदा नहीं होता, दोस्तों देखिए 100% योग से फायदा होता है। दोस्तों देखिए, कपड़े पे साबुन लगाने से मैल नहीं निकलता। आपने सोचा कि गंदे कपड़े में साबुन लगा दिया मैल निकल जाएगा, नहीं, उसको रगड़ना पड़ता है। दोस्तों देखिए, उसी प्रकार इस फैट को कम करने के लिए योग एक्सरसाइज बनी है। करिए दोस्तों योग एक्सरसाइज का अभ्यास करें, ठीक है। ठंड का मौसम है, अब मेरे कई दोस्त बाहर नहीं जाते हैं तो अपने घर पर कर सकते हैं, अपने छत पर कर सकते हैं, अपने बेड पर कर सकते हैं, और करें इसका अभ्यास, आपको खुद करना है दोस्तों। देखिए, योग एक्सरसाइज को आपको धीरे धीरे अपनाना है, मुझे फायदा हुआ है दोस्तों। देखिए, ये देखिए, मुझे फायदा हुआ है दोस्तों, देखिए आपको भी फायदा होगा, लेकिन खुद मेहनत करनी होगी दोस्तों। देखिए, खुद मेहनत करनी होगी, और खुद का खान पान, यानी खुद समय पर खान पान करना होगा, और खुद की जीवन शैली को सही अपनाना होगा। जीवन शैली का मतलब होता है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव के साथ, अपने देश के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, यानी कि जो घर गृहस्थ के हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, इनके साथ आपको निभाना है दोस्तों। देखिए, इसी को लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली कहते हैं दोस्तों। देखिए, और समय रहते हुए दोस्तों, देखिए समय रहते हुए इस फैट को, इस मोटापे को कम करें दोस्तों। देखिए, घबराए नहीं मोटापे से, डरे नहीं मोटापे से, मोटापे से डरे नहीं, मोटापा 100% कम होता है दोस्तों। देखिए, दवाइयों के भरोसे ना रहें, किसी भी प्रकार की दवाइयों के भरोसे ना रहें कि कोई दवाई बनेगी और ये मोटापा कम हो जाएगा, या मैं दवाई खाता हूँ तो मोटापा कम होता है। दोस्तों देखिए, मोटापा कई वजहों से कम हो सकता है, कई असाध्य रोगों की वजह से भी मोटापा कम होता है, जैसे टीबी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, इनसे भी मोटापा कम हो सकता है, लेकिन आपको अपनी मेहनत से इस मोटापे को कम करना है, और इन असाध्य रोगों को कंट्रोल करना है अपने खान पान, अपनी मेहनत, अपनी जीवन शैली से। मेरे कई दोस्त बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या करते हैं कि मोटापा कम करने के चक्कर में खान पान कम करते हैं, कभी ना करें ऐसे दोस्तों। अपनी भूख, उम्र और वजन के हिसाब से, अपनी भूख, उम्र और वजन के हिसाब से खान पान प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन। हाँ, कभी कभार कोई भारी खान पान ले लिया, कभी भूख नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूख का कम लगना, नींद का कम आना, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अगर ऐसा होता है, कभी कभार 1-2 दिन होता है तो चलेगा, लेकिन कंटिन्यू अगर आपका वजन बिना वजह से कम हो रहा है और नींद का आपका कम आना हो रहा है, तो तुरंत कहीं भी लापरवाही ना करें, डॉक्टर के पास संपर्क करें दोस्तों। देखिए, और समय रहते हुए दोस्तों इस फैट को कम करें। मेरे सभी दोस्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मोटापे से डरे नहीं, मोटापा कम होता है, मैंने मोटापा कम किया है तो आप भी कम कर सकते हैं। ये देखिए, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।